लोकसभा चुनाव नामांकन को लेकर मंगलवार को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में एनडीए की ओर से अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। वहीं सांसद अजय मंडल के समर्थन में जनसभा के दौरान बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री सुनील कुमार, मंत्री जयंत राज कुशवाहा, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष स जमुई सांसद चिराग पासवान, जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जदयू नेत्री कहकशा परवीन, प्रदेश महासचिव विभूति गोस्वामी समेत एनडीए के कई एमएलए, एमएलसी और नेताओं ने संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और चिराग पासवान और उमेश कुशवाहा समेत कई नेताओं ने अजय कुमार मंडल को माला पहनाकर चुनाव में एनडीए की जीत होने की शुभकामनाएं भी दी। जबकि जनसभा को संबोधित करने के बाद सम्राट चौधरी और चिराग पासवान समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं ने प्रत्याशी अजय मंडल को जनता की अनुमति से जनसभा के दौरान ही जीत की अग्रिम बधाई देते हुए माला पहनाकर स्वागत किया। सभा में एकजुटता दिखाते हुए एनडीए के सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की विस्तारपूर्वक चर्चा की और पीएम मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम एवं मान सम्मान बढ़ने की बात कही। वहीं अपने बीच युवा नेता सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को देखकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला, जबकि मंच से तमाम नेताओं को एनडीए और बिहार के डबल इंजन की सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की बात मजबूती से रखी और युवाओं एवं कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जनता के बीच जमीनी स्तर पर पहुंचकर एनडीए गठबंधन की सरकार के कार्यों को बताने की बात कही। वहीं जनसभा के दौरान लोजपा रामविलास के खगड़िया से एनडीए प्रत्याशी राजेश को भी माला पहनाकर चुनाव में जीत के लिए शुभकामनाएं दी गई। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, लोजपा जिलाध्यक्ष सुबोध पासवान, एमएलसी डॉक्टर एनके यादव, विधायक ललन कुमार, गोपाल मंडल, मनोज यादव, ललित नारायण मंडल, रोहित पांडे, खगड़िया के एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा, रोशन सिंह, राजकुमार सिंह समेत काफ़ी संख्या में एनडीए घटक दल के नेता और कार्यकर्ता के विभिन्न जगहों में से पहुंचे लोग मौजूद। कुछ नहीं होता, सबसे पहले राष्ट्रहित आता है, उसके बाद गठबंधन का हित आता है, उसके बाद अपने दल का हित आता है और उसके बाद कुछ बच जाए तब इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। आज की तारीख में राष्ट्रहित के लिए जरूरी है मौजूदा प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। ये इन्हीं प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति है, इन्हीं प्रधानमंत्री में ये शक्ति है कि आज देश तो क्या दुनिया में भारत का डंका बजता है, ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जिस तरीके से भारत और भारतीयों को सम्मान मिलता है, जिस तरीके से हर बीते दिन के साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। आज से 10 साल पहले हम लोग नहीं जानते थे कि भैया देश की अर्थव्यवस्था में भारत दहाई के आंकड़े पे आता है या 100 से पार हो रहा है, कोई नहीं जानता था ये। पर पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ा किया है, ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी है। लोग सोचते हैं अर्थव्यवस्था से वर्ष शास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय है, पर जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो राज्यों का राजस्व बढ़ता है, जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हम लोगों के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होती है और जब प्रति व्यक्ति आय होती है तो हर गरीब परिवार मुख्य धारा के साथ जुड़ने की जरूरी है। हमारे माफियाओं पर काम होना है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर हमारे वरिष्ठ मंत्री सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों ने कैबिनेट में भी कानून बनाया और बिहार के विधानसभा से भी माननीय कई विधायक हमारे यहाँ उपस्थित हैं। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में चुनाव के बाद या तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो जेल
तारीख पर, लेकिन ये कानून हम लोगों ने बना दिया। ये जो माफिया है, बालू माफिया, जो पूरी नदी को सूखने का काम कर रहा है, जो सर गरीबों के बीच में शराब बेचने का काम कर रहा है, और जो गरीबों का जमीन लूटता है, उन सब लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे साथी कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत बढ़ रहा है, और दुनिया में ठीक कहा आदरणीय चिराग जी ने, आज दुनिया में जहां 2014 में आपने जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई थी सर, तो 14 में हमें 11वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में थे। आज जिस अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक हम पर राज किया, उसको हराकर, उसी अंग्रेज को हराकर हम 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। और कल ही हम लोगों ने रिपोर्ट जारी किया साथियों, बिहार जैसा गरीब प्रदेश भी, जहां देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने 2,78,000 करोड़ का बजट बनाया है, और लगभग 1,80,000 करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हमको बिहार को मिलता है, लगभग 50,000 करोड़ रुपया आप सभी लोगों के सहयोग से संसाधन से बिहार में स्थापित हो रहा है। लेकिन हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग अजय मंडल जी को यदि आप कहिए तो हम और चिराग जी, उमेश जी माला पहना दे, आज ही नॉमिनेशन किया, आज ही